Hey guys, this is Pooja Behra and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Since most of you guys were requesting कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ, so I thought why not start a series जहाँ पे मैं अपने स्किन केयर बेस्टीज के बारे में बात कर सकती हूँ. So इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ आएंगे, हर एक वीडियो में मैं एक स्टार प्रोडक्ट फीचर करने वाली हूँ. So I hope you guys are going to enjoy this kind of series. Now before getting into this video, make sure you give this video a big fat thumbs up, comment using the hashtag YouTube Behra Fan. Make sure you guys subscribe and do follow me on Instagram. My handle goes with my name Pooja_Behra. And apart from that, I do have a travel/food page which goes with the ID Explore with Behra. Make sure you guys follow that as well. So, आज की वीडियो के लिए I'll be talking about this star product. It's from Lotus Botanicals. It's their Uptin D10 Radiance Face Scrub. Now I have fallen in love with this face scrub. Since you guys know, मैं काफी ज़्यादा travel करती रहती हूँ, धूल मिट्टी pollution मिट्टी तो मेरे फेस पे लगती रहती है. ऐसे मेरी स्किन की तो लिटरली धज्जियाँ उड़ गई है. यू गाइज नो, जब भी मैं फेस आर्ट करती हूँ उसमें बहुत सारे यू नो पार्टिकल्स चिपक के हुए रहते हैं, क्योंकि मैं फेस एंड बॉडी पेंट्स यूज़ करती हूँ, राइट. डबल क्लेंज भी कर लूँ या मैं क्लेंजिंग बाम भी यूज़ कर लूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव माई स्किन दैट अल्टीमेट ग्लो, विच इज़ वाई आई थॉट आई शुड इंक्लूड दिस फेस स्क्रब इन माई स्किन केयर रूटीन. नाउ दिस फेस स्क्रब कंटेन्स 24K गोल्ड, going to remove all the dead skin cells जो कि आपके स्किन पे है. इसमें सारे natural ingredients है, okay? And this is paraben sulfate free. इसमें बिल्कुल भी toxic chemicals नहीं है. No preservatives and it is suitable for all skin type. Now talking about the ingredients, इसमें है 24K gold, sandalwood, turmeric, chickpea floor and rose. ये आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो देगा एंड D10 के लिए तो एकदम बेस्ट है ये वाला स्क्रब. pH लेवल जो है स्किन का वो भी काफी ज्यादा बैलेंस होने वाला है आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब. सो इसका टेक्सचर जो है ये कुछ इस तरीके से है, एज यू गाइस कुड सी, एंड इट स्मेल्स अमेजिंग. थोड़े बहुत ऐसे बीड्स टाइप है जिससे आपका फेस काफी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगा एंड काफी सूदिंग है. सो फेस स्क्रब लगाने से पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप पहले किसी भी फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लो एंड उसके बाद अप्लाई द फेस स्क्रब. आई यूजुअली लाइक टू फॉलो दिस रूटीन जब भी मैं फेस आर्ट करती हूँ या जब कभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ घर लौटने के बाद. आई लाइक टू फॉलो दिस स्किन केयर रूटीन. सो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत अपने पाम्स पे लेना है एंड देन अप्लाइड ऑन द स्किन एंड जेंटली मसाज इट. तो क्या करेगा, आपके डेड स्किन सेल्स निकाल लेगा एंड जो पोर्स हैं वो भी अनक्लॉग कर देगा. सो दैट्स अ बेस्ट थिंग. जनरली उप्टन मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है. आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस ग्लो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन आपको ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा फ्रॉम दिस सीरीज स्किन केयर बेस्टीज. आई वुड डेफिनेटली से दैट माई स्किन इज ग्लोइंग आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस स्क्रब. एंड अगर मुझे रेट करना होगा आउट ऑफ 10, आई वुड डेफिनेटली रेट इट अ सॉलिड 9. इट वर्क्स वेरी वेल ऑन ऑल स्किन टाइप्स. So I'll make sure to link it in the description box below for you guys. Those who are interested can check it out. So yeah, that is it for today's video. I hope you guys had fun watching this first episode of hashtag skincare besties. And I'll catch you guys in my next video. Till then, take care. Bye-bye.